हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन से, स्टेट से या यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं टीजीटी टीचर से रिलेटेड पोस्ट के ऊपर। यहाँ पर टीजीटी और टीजीटी के लिए पोस्ट निकल कर आए हुए हैं। कुछ पोस्ट यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट है, इन सभी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकल कर आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला एक विद्यालय है, जयपुर में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ आप देख सकते हैं, navoday.gov.in पर जब आप विजिट करेंगे तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। 24 मई 2024 को इसका नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया था। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 27 मई 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट कर दिया गया है। 7 जून तक आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर लिया जाएगा। इसका जो लास्ट डेट है 7 जून 2024 का डेट रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। अगर आपसे फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की गलती हो जाती है तो आप 8 जून 2024 से लेकर 10 जून 2024 तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो करेक्शन विंडो है वो 8 से 10 जून के बीच में ओपन रखा जाएगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग पोजीशन पर पोस्ट है, और जितने पोस्ट यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं सारे पोस्ट आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है। 2024-2025 का सेशन है जिसके लिए आपसे इनविटेशन मांगा गया है। टीजीटी इंग्लिश में पोस्ट निकल कर आया हुआ है, टीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में यहाँ पर कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ओडिया, पंजाबी और एसमीज रखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स में भी रिक्रूटमेंट मांगा गया है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में मेल और फीमेल के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, और टीजीटी म्यूजिक के लिए पोस्ट है, लाइब्रेरियन का पोस्ट है। उसके बाद फिर पीजीटी का पोस्ट निकल कर आया हुआ है, पीजीटी हिंदी में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, इंग्लिश में मांगे गए हैं, मैथ, फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कुल टोटल 22 सब्जेक्ट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों से दो तरीके का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले तो पीजीटी के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आप लोगों ने किया हुआ है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर किया हुआ है एजुकेशन ऑफ NCERT से या फिर एनी अदर NCTE के माध्यम से या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेट से 50% मार्क्स के साथ, या आप लोगों ने मास्टर डिग्री क्वालिफाई किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। यहाँ आपका रिलेटेड सब्जेक्ट मेंशन है, आप पीजीटी के जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर्स 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। वहीं आप लोगों से बीएड भी मांगा गया है, और आपको हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग की अच्छी नॉलेज हो, आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। वहीं पीजीटी कंप्यूटर साइंस में सिर्फ और सिर्फ MSc कंप्यूटर साइंस और IT या MCA आप लोगों के पास हो तो आप एलिजिबल हैं, साथ में आपके पास बीएड है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी का फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आप लोगों के पास 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री हो जिसमें आपने किसी कॉलेज या फिर एजुकेशन ऑफ NCERT के माध्यम से आपने पास आउट किया है 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, या आप लोगों ने बैचलर हॉनर्स डिग्री ली हुई है 50% मार्क्स के साथ
तो भी आप एलिजिबल हैं, या आपने भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ पास आउट हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। प्लस आप लोगों के पास सीटेट जो आपका है वो आपने पास आउट किया हुआ हो, बीएड आप लोगों के पास हो, और हिंदी और इंग्लिश में जो आपकी टीचिंग है वो आप कर सकते हो, तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने रिलेटेड पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मेंशन है उसे अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।